हेलो फ्रेंड, होप तो आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे 10 पॉइंट शेयर करूंगा सोनी ZV-E10 एंड कैनन M50 मार्क II के बीच में, और ये सारे पॉइंट्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 10वां पॉइंट, सो गाइस, अगर आप कैमरे के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आएंगे तो इस सिनेरियो में सोनी ने अपना कैमरे का फोकस थोड़ा लूज किया है, लेकिन वहीं पे कैनन ने अपने फोकस को बरकरार रखा है, और ये फीचर मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगा है कैनन का। नंबर 9, अगर गाइस आप कैमरे को व्लॉगिंग के पर्पज से लेना चाहते हो तो आप गाइस डेफिनेटली कैनन M50 मार्क II परचेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलती है। और इफ एंड डेट अगर आपको कैमरा फोटोग्राफी के लिए पसंद है, वाइल्ड फोटोग्राफी एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फोटोग्राफी पसंद है, तो सोनी कैमरा यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको मिलता है इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि आपकी फोटोज को एनहेंसेबल फुटेज या फोटोज क्रिएट करके देगा। पॉइंट नंबर 8, जैसा कि आपको पता है कैमरे का सबसे मेन फीचर होता है उसका सेंसर। ZV-E10 का जो सेंसर है वो कैनन M50 मार्क II से 1.1 टाइम्स एक्स्ट्रा है, मींस कि आपको जो फोटो मिलेगी वो मोर इनहेंस होके मिलेगी। डेप्थ ऑफ फील्ड सोनी के कैमरे की फोटो में आपको ज्यादा इनहेंस होके मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपकी फोटो की क्वालिटी होगी वो मोर ग्रेट होगी। सो अगर आपका मेन पॉइंट ये है तो आप देन सोनी को परचेस जरूर कर सकते हैं। नंबर 7, वन ऑफ माय फेवरेट कैनन फीचर जो आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर देता है, जिसकी मदद से आप अपनी फुटेज की डिटेलिंग बिना कैप्चर किए देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से, जो कि मोर इनहेंस होकर दिखती है। और कैनन की जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर हो सीरियसली में अमेजिंग, लेकिन यहाँ पर सोनी ने इस फीचर को थोड़ा मिस कर दिया है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर नहीं है। नंबर 6, सो अब आती है बात ऑडियो चैनल्स की। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो सोनी में ऑडियो चैनल्स है वो आपको स्क्रीन के डिस्प्ले में ही दिख जाते हैं, तो मेरे को ये फीचर सोनी का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कैनन में आपको ये ऑडियो चैनल्स नहीं दिखते, जिसकी वजह से समटाइम्स अगर आपने माइक कभी कनेक्ट किया और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो माइक अनेबल हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आपको सोनी में आपको ऑन द स्क्रीन ही पता चल जाएगा। तो ये फीचर मेरे को सोनी का अच्छा लगा, कैनन का मेरे को ये फीचर थोड़ा बेकार लगा, क्योंकि अभी कुछ लास्ट टाइम की बात है, मैंने बहुत सारी फुटेजेस शूट करी थी और उसमें मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा माइक उसमें कनेक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि समटाइम्स माइक की चार्जिंग या माइक की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाता और हमें प्रॉपर तरीके से पता भी नहीं चल पाता, और समटाइम्स इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को हो सकती है। ये फीचर मेरे को सोनी का ज़्यादा अच्छा लगा कि उसमें आपको डिस्प्ले में ही दिख जाता है ऑडियो चैनल्स। नंबर 5, इफ़ अगर आपको 4K शूट करना पसंद है तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आपको सोनी ZV-E10 ही लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको 6K की फुटेज शूट करके देता है, उसको 4K में कन्वर्ट करके देता है। कि रिसेंटली बिली में जो आपको 4K फुली शूटेड वीडियो मिलती है वो बिल्कुल ही अमेजिंग मिलती है, मीन्स कि एक वाइडर एंगल के साथ साथ एक प्रॉपर 4K फुटेज मिलती है, जो कि आपको कैनन में नहीं मिल पाती, क्योंकि कैनन 4K ही शूट करता है विद क्रॉप सेंसर, जिसमें 1.6x मोर क्रॉप होता है, आपकी फुटेज को और थोड़ा कम रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है, और जो उसका जो वाइडर एंगल होता है कैनन का वो भी थोड़ा कम होता है, मीन्स कि जो आपकी फ्रेम के अंदर आएगा वो भी थोड़ा कम ही आएगा आपके सब्जेक्ट, लेकिन आपको सोनी एक प्रॉपर 4K अमेजिंग फुटेज देता है। नंबर 3, अगर आप इंटरव्यू शूट करते हो या ऐसे ही बहुत चीज़ें शूट करते हो जिसमें आपको ऑडियो की बहुत ज़रूरत पड़ती है दैट टाइम सुनने के लिए, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई सोनी ही ले, क्योंकि उसमें आपको हेडफोन स्लॉट मिलता है, जिसकी वजह से आप एट ए टाइम उसी समय पे आप अपनी ऑडियो को सुन सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपका माइक या जो भी आपकी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है। ये फीचर मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इफ एंड एल्स अगर आप एक इंटरव्यूअर हो, अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा उस ऑडियो को सुनने का पर्पस, तब आप सोनी को चूज़ कर सकते हो। लेकिन ये फीचर कैनन में थोड़ा मिसिंग है, कैनन में आपको ओनली माइक आउटपुट मिलता है, हेडफोन आउटपुट नहीं मिलता। नंबर 2, अगर आप चाहते हो आपका कैमरा इजी टू यूज़ हो, इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैनन में जाएं, क्योंकि आपको कैनन में एक टच स्क्रीन का फीचर मिलता है, जिसकी वजह से आप इजीली हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन टच, क्योंकि आप उसमें शटर स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सपोजर भी कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स कि आप हर एक सारी सेटिंग को आप उस
टच स्क्रीन की मदद से हर एक चीज को प्रॉपरली इजिली कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे सोनी में ये चीज थोड़ी मिसिंग है, क्योंकि आपको सोनी में टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको सारे काम डायलर से ही करने पड़ेंगे। और मेरे को मोर ओवर वो थोड़ा ओल्ड फैशन लगता है, इसलिए मेरे को इस सिनेरियो में तो अपना कैनन बेस्ट ही लगता है। सो गाइज, अब आते हैं नंबर वन पॉइंट में, मेरा सबसे फेवरेट। आपको सोनी देता है 120fps फ्रेम रेट, वो भी फुल HD वीडियो शूट के साथ। मीन्स कि 1920 में आपको 120fps की स्पीड मिली, जो कि खुद में बहुत अमेजिंग है। मीन्स कि आप बहुत सारे स्लोमो शूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सोनी कैमरा। और आपको पता है कि सिनेमाटोग्राफी के लिए स्लोमोज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो मैं तो प्रेफरेबल सोनी ही पसंद करूंगा, क्योंकि मैं एज अ सिनेमाटोग्राफर उसको देखूंगा। आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपने कैमरे को चूज कर सकते हैं। इन 10 पॉइंट्स में से जो सा पॉइंट आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, आप उस सिनेरियो में जाए, क्योंकि एट द एंड आपकी रिक्वायरमेंट ही डिपेंड करती है कि आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या। सो मैं अगर सिनेमाटोग्राफर हूँ तो मेरे को सोनी प्रेफरेबल लगेगा, क्योंकि उसमें मेरे को इतना अच्छा फीचर जो मिल रहा है। बाकी आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही मैं बहुत सारी नॉलेजेबल बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा कैमरे के रिलेटेड और सॉफ्ट यूज के रिलेटेड। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रेजी टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।